आज की कक्षा में हम वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण को अंग्रेजी में एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। वायु यानी एयर और प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। तो आपको वैसे पता ही होगा कि वायु प्रदूषण होता क्या है, बट अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो जब वायु अनचाहे पदार्थों से संदूषित हो जाए, जो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हानिकारक हो, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। संदूषित होना यानी कंटेमिनेट होना अंग्रेजी में। तो जब वायु में कुछ ऐसे अनचाहे पदार्थ मिल जाए जिससे निर्जीव या सजीव वस्तुओं को हानि पहुंचती हो, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषक यानी क्या? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। तो कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, उससे वायु में काफी प्रदूषण होता है। फिर धूल, वन में आग लग जाना, उससे भी काफी प्रदूषण होता है। अब मानवीय क्रियाकलापों से तो वायु प्रदूषण होते रहा है। तो इनके स्रोत है ईंधन, फैक्ट्री से निकलता धुआं, वाहनों का धुआं आदि। यह तो आपको पता ही होगा कि वाहनों के धुओं से या फैक्ट्री के धुओं से काफी ज्यादा परेशानियां होती है निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं को। तो वायु प्रदूषण के कारण अनेक श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड धुआं उत्पन्न करते हैं। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह अत्यंत जहरीली गैस है। और कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह भी अत्यंत जहरीली गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हमारी धरती है, उसके ऊपर ओजोन परत का चित्र है। और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि ओजोन परत में एक छेद हुआ है। यह किस कारण हुआ है? यह प्रदूषण के कारण हुआ है। चलिए अब आगे की चर्चा करें। पेट्रोल और डीजल के दहन से अत्यंत छोटे कण उत्पन्न होते हैं। ये काफी देर तक हवा में लंबित रहते हैं और ये कण दृश्यता को घटाते हैं और शरीर में जाने पर उनकी अनेक समस्याएं हो सकती है उनकी वजह से। तो पहले हम उदाहरण लेंगे ताजमहल का। आपने काफी लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि ताजमहल पीला पड़ने लगा है, ताजमहल पहले जितना सफेद नहीं रहा। यह क्यों हो रहा है? प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषक ताजमहल के संगमरमर यानी ताजमहल का जो मार्बल है उसको बदरंग कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ऐसे प्रदूषक वायु में जलवाष्प के साथ यानी वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक आम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक आम्ल यानी नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर धरती पर बरसती है। यानी वर्षा जो है वो भी अम्लीय हो जाती है। इसे हम अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। इसी एसिड रेन के कारण हमारा ताजमहल बदरंग हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पौधागर प्रभाव की। तो आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए। सूरज की कुछ किरणें हैं जो धरती तक आती है वातावरण से गुजर कर। तो सूरज की बहुत सारी किरणों में से थोड़ी किरणें पहले ही परावर्तित हो जाती है। जो धरती तक पहुंचती है उसमें से कुछ किरणें धरती अवशोषित कर लेती है और बाकी सारी परावर्तित होती है। लेकिन इन परावर्तित किरणों में से सारी किरणें
हमारे वातावरण को छोड़ के नहीं जाती, थोड़ी किरणें यूं ही रह जाती हैं, और इन किरणों की वजह से धरती का वातावरण गर्म होता है। तो यह किरणें क्यों रह जाती हैं? CO2 गैस और अन्य गैसों के कारण, जो इन किरणों को धरती के वातावरण में रोक के रखते हैं। इसे हम पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पौधा घर जो होता है उसमें भी ऐसी ही चीज होती है। उसमें कांच की दीवारें होती है। उससे क्या होता है कि अंदर किरणें घुस तो जाती है बट बाहर नहीं रह पाती, इसलिए पौधा घर के अंदर का तापमान बाहर से ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। सूरज की किरणें धरती के वातावरण के अंदर घुस तो जा रही है बट बाहर नहीं जा पा रही है, और उसकी वजह से धरती के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करके CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए। फिर वायु की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की नियमित जांच होनी चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन यानी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जो कम प्रदूषण करें उनका उपयोग करना चाहिए, और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे वातावरण और शुद्ध हो। चलिए अब बात करते हैं जल प्रदूषण की, जिसे अंग्रेजी में वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। तो जब वाहित मल यानी सुएज, रसायन यानी केमिकल्स, गाद यानी सिल्ट आदि हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाए तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, और जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। तो चलिए अब गंगा नदी की चर्चा करें। आप सब आजकल अखबारों में न्यूज चैनलों पर सुन रहे होंगे कि गंगा नदी काफी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। WWF यानी विश्वव्यापी कोष के अध्ययन के अनुसार गंगा का अस्तित्व खतरे में है। कूड़ा करकट, वाहित मल, रसायन के कारण यह नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है। तो 1985 की गंगा कार्य परियोजना तथा विभिन्न योजनाओं के बावजूद यह नदी दिन पे दिन प्रदूषित हो रही है, और इसके कारण एक ऐसी नदी जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, वह क्या पता एक नाला बन के रह जाएगी। तो बहुत औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल इकाइयां नदियों में रसायनों को प्रवाहित करती है। खनन यानी माइनिंग की इकाइयां भी नदियों को प्रदूषित करती है, और जैसे मैंने बताया ऐसे ही चलता रहा तो गंगा एक दिन एक गंदा नाला बनकर रह जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पानी के प्रदूषण या जल प्रदूषण को रोकने के लिए। तो औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, और जागरूक नागरिकों की तरह हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह इकाइयां इन नियमों का पालन कर रही है कि नहीं। वैसे ही जल उपचार संयंत्र की स्थापना हो, यानी जो प्रदूषित जल है उसका उपचार करने के लिए संयंत्र, जिससे उस जल को क्लीन किया जा सके, साफ किया जा सके, ऐसे एक संयंत्र की स्थापना होनी चाहिए। फिर नदियों एवं जल स्रोतों में कचरा नहीं डालना चाहिए। आपने यह ध्यान दिया होगा कि आम नागरिक भी अक्सर नदियों में कचरा डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं। जागरूक नागरिकों की तरह हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई भी तरह का जल प्रदूषण ना हो, और समाज में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। यानी ना सिर्फ हम जागरूक होने चाहिए, हमें हमारे आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। आप अगर हम
अपने बारे में बात करें कि हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिससे प्रदूषण कम हो, तो अक्सर 3 R की बात होती है, जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग करें। जिन चीजों की जितनी जरूरत है उतना ही उसका उपयोग करें। रीयूज मतलब पुनः उपयोग करें, यानी एक बार उपयोग करने के बाद किसी चीज को ऐसे ही फेंक ना दे, अगर उसका पुनः उपयोग हो सकता है तो उसे जरूर करें। और पुनः चक्रण यानी रिसाइकल। आप न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अक्सर लोगों के घरों में रद्दी जमा होती है जो हम बेचते हैं। उस रद्दी का क्या होता है, उससे वापस पेपर बनाया जाता है। तो यह एक उदाहरण है रिसाइकल का, यानी पुनः चक्रण का, कि एक चीज एक बार इस्तेमाल हो गई तो उस पर कुछ अभिक्रिया करके उसे वापस नई जैसी बनाना। तो यह 3 चीजें हमें करनी चाहिए। प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है और अन्य कई चीजें हैं जो रिसाइकल हो सकती है, उन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए। तो चलिए हम एक संकल्प ले, एक आदर्श नागरिक की तरह, कि हमारी पृथ्वी को प्रदूषण से बचाएंगे। धन्यवाद।